महाभारत से जुड़ी ये कथा उस समय की है जब पांडव धृतराष्ट्र की आज्ञा से राज्य पाकर द्रौपदी के साथ खांडव प्रस्थ यानी इंद्रप्रस्थ में आनंद पूर्वक निवास करने लगे थे। धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य की प्रजा भी शांति एवं सुखपूर्वक रह रही थी। एक दिन की बात है, इंद्रप्रस्थ नरेश युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों के साथ राजसभा में बैठे हुए थे कि उसी समय देवर्षि नारद अकस्मात वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देख सभी भाइयों ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर युधिष्ठिर ने अपना परम सुंदर आसन उन्हें बैठने के लिए दिया। जब देवर्षि उस पर बैठ गए तब परम बुद्धिमान युधिष्ठिर ने स्वयं अपना सारा राज्य देवर्षि नारद को समर्पित कर दिया। यह देख देवर्षि उस समय मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। फिर युधिष्ठिर की अभ्युदय की कामना करके बोले, तुम भी बैठो। उसके बाद नारद जी की आज्ञा पाकर राजा युधिष्ठिर बैठे और द्रौपदी को संदेश भिजवाया कि स्वयं भगवान नारद जी पधारे हैं। यह सुनकर द्रौपदी भी पवित्र एवं एकाग्रचित हो उसी स्थान पर आ गईं, जहां पांडवों के साथ नारद जी विराजमान थे। धर्म का आचरण करने वाली द्रौपदी देवर्षि के चरणों में प्रणाम किया। तब धर्मात्मा एवं सत्यवादी मुनिश्रेष्ठ नारद ने महारानी द्रौपदी को नाना प्रकार के आशीर्वाद देकर उस सती साध्वी देवी से कहा, अब तुम भीतर जाओ। द्रौपदी के चले जाने पर भगवान देवर्षि ने एकांत में युधिष्ठिर सहित समस्त पांडवों से कहा, हे वत्स, यशस्विनी पांचाली तुम सब लोगों की एक ही धर्म पत्नी है, अतः तुम लोग ऐसी नीति बना लो जिससे तुम लोगों में कभी परस्पर फूट ना हो। नारद जी की बात सुनकर सभी पांडव एक दूसरे को देखने लगे। फिर कुछ देर बाद युधिष्ठिर ने देवर्षि से पूछा कि हे भगवान, हम भाइयों में तो पांचाली को लेकर कोई मन मुटाव नहीं है और भविष्य में भी नहीं हो सकता, फिर आप ऐसी नीति क्यों बनाने को कह रहे हैं? हम भाइयों को आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। तब देवर्षि नारद जी बोले, हे धर्मराज, ये तो मैं भी जानता हूँ कि तुम भाइयों में जितना प्रेम है उतना तीन लोकों में किसी भी भाइयों के बीच नहीं है, परंतु तुम ये तो जानते ही हो कि काल अर्थात समय सब कुछ बदल देता है, उस पर किसी का बस नहीं चलता, क्योंकि तुम पांच भाइयों की तरह ही हजारों साल पहले सुंद और उपसुंद नाम के दो असुर भाई हुआ करते थे। वे सदा साथ रहते थे एवं एक दूसरे के लिए अवध थे, यानी वे दोनों केवल आपस में ही लड़कर मर सकते थे। उनकी तीनों लोकों में बड़ी ख्याति थी। उनका एक ही राज्य था और एक ही घर। वे एक ही शैया पर सोते थे, एक ही आसन पर बैठते और एक साथ ही भोजन करते थे। इस प्रकार आपस में अटूट प्रेम होने पर भी एक स्त्री के लिए लड़कर उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। इसलिए हे धर्मराज, आपस की प्रीति को बढ़ाने वाले ऐसा कोई नियम बनाओ जिससे तुम लोगों में कभी भी द्रौपदी के कारण वैर विरोध ना हो। तत्पश्चात नारद जी के मुख से ऐसी बातें सुनकर युधिष्ठिर ने पूछा, हे महामुने, सुंद और उपसुंद नामक असुर किसके पुत्र थे? उनमें कैसे विरोध उत्पन्न हुआ और किस प्रकार उन्होंने एक दूसरे को मार डाला? और वह स्त्री कौन थी? वह किसी देवता की कन्या थी जिसकी कामना से उन्मत्त होकर सुंद और उपसुंद ने एक दूसरे को मार डाला? कृपया कर पूरा वृतांत सुनाइए। तब नारद जी ने कहा, हे ज्येष्ठ कुंती नंदन, आज से हजारों साल पहले महान दैत्य हिरण्यकशिपु के कुल में निकुंब नाम का दैत्यराज हुआ करता था। उसी निकुंब के सुंद और उपसुंद नाम के दो महापराक्रमी पुत्र थे। वे दोनों बड़े भयंकर और क्रूर हृदय के थे। उनका एक ही निश्चय होता था और वे एक ही कार्य सदा किया करते थे। उनके सुख और दुख भी एक ही प्रकार के थे। उनमें से एक के बिना दूसरा ना तो खाता पीता और ना किसी से कुछ बातचीत ही करता। वे दोनों ऐसे रहते मानो एक ही जीवात्मा दो शरीर में विभक्त कर दी गई हो। फिर एक दिन उन दोनों के मन में तीनों लोकों पर विजय पाने की इच्छा हुई। तत्पश्चात दोनों भाई अपने गुरु से दीक्षा लेकर विंध्य पर्वत पर आए और वहां ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करने लगे और अपने ही शरीर के मांस खंड काट काट कर अग्नि में आहुति देते थे। तदनंतर बहुत समय तक पैरों के अंगूठों के अग्रभाग के बल पर खड़े हो वे दोनों व्रत धारण करके तपस्या में संलग्न रहे। उन दैत्यों की तपस्या के प्रभाव से दीर्घ काल तक संतप्त होने के कारण विंध्य पर्वत धुआं छोड़ने लगा। उधर उनकी उग्र तपस्या देखकर देवताओं को बड़ा भय हुआ। वे देवतागण उनके तप को भंग करने के लिए अनेक प्रकार के विघ्न डालने लगे। देवताओं ने बार बार रत्नों के ढेर तथा सुंदर स्त्रियों को भेजकर उन दोनों को प्रलोभन में डालने की चेष्टा की, किंतु उन महान व्रतधारी दैत्यों ने अपने तप को भंग नहीं किया।
तत्पश्चात देवताओं ने महान आत्मबल से संपन्न उन दोनों दैत्यों के सामने पुनः माया का प्रयोग किया। उनकी माया निर्मित बहनें, माताएं, पत्नियां तथा अन्य आत्मीय जन वहां भागते हुए आते और वे सभी आत्मीय जन सुंद उपसुंद को पुकार कर चीखते हुए कहते, बेटा मुझे बचाओ, भैया मेरी रक्षा करो। यह सब सुनकर भी वे दोनों महान व्रतधारी तपस्वी अपनी तपस्या से नहीं टिके, अपने व्रत को नहीं तोड़ सके। जब उन दोनों में से एक भी ना तो इन घटनाओं से शुभ हुआ और ना किसी के मन में कष्ट का ही अनुभव हुआ, तब वे मायामयी स्त्रियां और वह राक्षस सब के सब अदृश्य हो गए। तब संपूर्ण लोकों के हितैषी पितामह साक्षात भगवान ब्रह्मा ने उन दोनों महादैत्यों के निकट आकर उन्हें इच्छानुसार वर मांगने को कहा। तदनंतर सुदृढ़ पराक्रमी दोनों भाई सुंद और उपसुंद भगवान ब्रह्मा को उपस्थित देख हाथ जोड़कर खड़े हो गए और एक साथ भगवान ब्रह्मा से बोले, भगवान यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो हम दोनों को वर दें कि हम संपूर्ण मायाओं के ज्ञाता, अस्त्र शस्त्रों के विद्वान, बलवान, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले और अमर हो जाएं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, अमृत के सिवा तुम दोनों को सब वस्तुएं प्राप्त होंगी, क्योंकि अमृत तुम्हारी तपस्या का उद्देश्य नहीं था। दैत्यपतियों, तुम दोनों ने त्रिलोकी पर विजय पाने के लिए ही इस तपस्या का आश्रय लिया था, इसलिए तुम्हारी अमृत विषयक कामना की पूर्ति मैं नहीं कर रहा हूँ। यह सुन सुंद और उपसुंद बोले, पितामह तब यह वर दीजिए कि हम दोनों में से एक दूसरे को छोड़कर तीनों लोकों में जो कोई भी चर या अचर भूत है उनसे हमें मृत्यु का भय ना हो। यह सुन ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने जैसी प्रार्थना की है तुम्हारी वह मुंह मांगी वस्तु तुम्हें अवश्य दूंगा। तुम्हारी मृत्यु का विधान ठीक इसी प्रकार होगा। फिर उन दोनों दैत्यों को यह वरदान देकर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। उसके बाद दोनों भाई सुंद और उपसुंद वर पाकर संपूर्ण लोकों के लिए अवध्य हो पुनः अपने घर को लौट गए। वरदान पाकर लौटे हुए उन दोनों मनस्वी वीरों को देखकर उनके सभी संबंधी बड़े प्रसन्न हुए। तदनंतर उन्होंने जटाएं कटाकर मस्तक पर मुकुट धारण कर लिए और बहुमूल्य आभूषण तथा निर्मल वस्त्र धारण करके ऐसा प्रकाश फैलाया मानो असमय में ही चांदनी छिटक गई हो और सर्वदा दिन रात एक रस रहने लगी हो। उनके सभी सगे संबंधी सदा आमोद प्रमोद में डूबे रहते थे। प्रत्येक घर में सदा खाओ, भोग करो और पियो का शब्द गूंजता रहता था। फिर जब उन दोनों भाइयों का आमोद प्रमोद से मन भर गया, तब उन्होंने तीनों लोगों को अपने अधिकार में करने की इच्छा से दैत्यों की सेना को उस पर आक्रमण करने की आज्ञा दी। युद्ध के लिए उन्मत्त रहने वाले वे दोनों दैत्य इच्छानुसार सर्वत्र जाने की शक्ति रखते थे, अतः आकाश में उछलकर पहले देवताओं के ही घरों पर जा चढ़े। उनका आगमन सुनकर और ब्रह्मा जी से मिले हुए उनके वरदान का विचार करके देवता लोग स्वर्ग छोड़कर ब्रह्मलोक चले गए। इस प्रकार इंद्रलोक पर विजय पाकर वे तीव्र पराक्रमी दैत्य यक्षों, राक्षसों तथा अन्यान्य आकाशचारी भूतों को मारने और पीड़ा देने लगे। उन दोनों महारथियों ने भूमि के अंदर पाताल में रहने वाले नागों को जीतकर समुद्र के तट पर निवास करने वाली संपूर्ण मलेच्छ जातियों को परास्त किया। तदनंतर भयंकर शासन करने वाले वे दोनों दैत्य सारी पृथ्वी जीतने के लिए उद्यत हो गए और अपनी सेना से बोले, मेरे वीर भाइयों, इस लोक पर यज्ञादि कर्मों में लगे हुए वे सभी लोग असुरों के द्रोही हैं, इसलिए हम सबको संगठित होकर उन सबका सब प्रकार से वध कर डालना चाहिए। समुद्र के पूर्व तट पर अपने समस्त सैनिकों को ऐसा आदेश देकर मन में क्रूर संकल्प लिए वे दोनों भाई सब ओर आक्रमण करने लगे। जो लोग यज्ञ करते तथा जो ब्राह्मण आचार्य बनकर यज्ञ कराते उन सबका बलपूर्वक वध करके वे महाबली दैत्य आगे बढ़ जाते थे। उनके सैनिक शुद्धात्मा मुनियों के आश्रमों पर जाकर उनके अग्निहोत्र की सामग्री उठाकर बिना किसी डर भय के पानी में फेंक देते थे। कुछ तपस्या के धनी महात्माओं ने क्रोध में भरकर उन्हें जो शाप दिए, उनके शाप भी उन दैत्यों के मिले हुए वरदान से प्रतिहत होकर उनका कुछ बिगाड़ नहीं सके। वे कभी सिंह होते, कभी बाघ बन जाते तो कभी अदृश्य हो जाते थे। इस प्रकार वे दैत्य विभिन्न उपायों द्वारा ऋषियों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगे। उस समय पृथ्वी पर यज्ञ और स्वाध्याय बंद हो गए, राजर्षि और ब्राह्मण नष्ट हो गए और यात्रा, विवाह आदि उत्सवों तथा यज्ञों की सर्वथा समाप्ति हो गई। सर्वत्र हाहाकार छा गया, भय का अर्थना सुनाई पड़ता था। पृथ्वी की ओर देखना भी भयानक प्रतीत होता था। उधर सुंद और उपसुंद का वह भयानक कर्म देखकर चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, तारे, नक्षत्र और देवता
सभी अत्यंत खिन्न हो उठे। इस प्रकार वे दोनों दैत्य अपने क्रूर कर्म द्वारा संपूर्ण दिशाओं को जीतकर शत्रुओं से रहित हो कुरुक्षेत्र में निवास करने लगे। तदनंतर संपूर्ण देवर्षि और महर्षि ब्रह्मा जी के धाम गए। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी से सुंद और उपसुंद के सारे क्रूर कर्मों का वृतांत कह सुनाया। दैत्यों ने जिस प्रकार लूटपाट की, जैसे जैसे और जिस क्रम से लोगों की हत्याएं की, वह सब समाचार पूर्ण रूप से ब्रह्मा जी को बताया। तब संपूर्ण देवताओं और महर्षियों ने भी इस बात को लेकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने उन सब की बातें सुनकर दो घड़ी तक कुछ विचार किया, फिर उन दोनों के वध के लिए कर्तव्य निश्चय विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा के आने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम एक तरुणी स्त्री के शरीर की रचना करो जो सबका मन लुभा लेने वाली हो। ब्रह्मा जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके विश्वकर्मा ने एक दिव्य युवती का निर्माण किया। उन्होंने इस युवती के अंगों में करोड़ों रत्नों का समावेश किया और इस प्रकार रत्न राशिमयी उस देव रूपिणी रमणी का निर्माण किया। विश्वकर्मा द्वारा बड़े प्रयत्न से बनाई हुई वह दिव्य युवती अपने रूप सौंदर्य के कारण तीनों लोकों की स्त्रियों में अनुपम थी। शरीर में कहीं तिल भर भी ऐसी जगह नहीं थी जहां की रूप संपत्ति को देखने के लिए लगी हुई दर्शकों की दृष्टि जम न जाती हो। चूंकि उत्तम रत्नों का तिल तिल भर अंश लेकर उसके अंगों का निर्माण हुआ था, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसका नाम तिलोत्तमा रख दिया। तदनंतर तिलोत्तमा ब्रह्मा जी को नमस्कार करके हाथ जोड़कर बोली, प्रजापति, मुझ पर किस कार्य का भार रखा गया है जिसके लिए आज मेरे शरीर का निर्माण किया गया है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, भद्रे, तुम सुंद और उपसुंद नाम के असुरों के पास जाओ और अपने अत्यंत कमनीय रूप के द्वारा उनको लुभा। तुझे देखते ही तेरे लिए उन दोनों दैत्यों में परस्पर विरोध हो जाए, ऐसा प्रयत्न कर। तब तिलोत्तमा ने ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और सुंद उपसुंद से मिलने चल पड़ी। तिलोत्तमा के चले जाने पर लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने उन संपूर्ण देवताओं और महर्षियों को विदा किया। उधर जब त्रिलोकी में सुंद और उपसुंद का सामना करने वाले कोई नहीं रह गया, तब वे देवताओं के समान अकर्मण्य होकर भोग विलास में लग गए। सुंदर स्त्रियों और पेय रसों का सेवन करके वे बड़े आनंद से दिन बिताने लगे। एक दिन की बात है, विंध्य पर्वत के शिखर पर सुंद और उपसुंद दोनों दैत्य विहार करने के लिए गए। वहां उनके लिए संपूर्ण दिव्य भोग प्रस्तुत किए गए। तदनंतर वे दोनों भाई श्रेष्ठ आसनों पर सुंदर स्त्रियों के साथ आनंद मग्न होकर बैठे। तदनंतर बहुत सी स्त्रियां प्रेम पूर्वक उनके पास आईं और नृत्य गीत आदि के द्वारा उन दोनों का मनोरंजन करने लगी। उसी समय तिलोत्तमा वहां वन में फूल चुनती हुई आई। उसके शरीर पर एक ही लाल रंग की महीन साड़ी थी। उसने ऐसा वेश धारण कर रखा था जो किसी भी पुरुष को उन्मत्त बना सकता था। नदी के किनारे उगे हुए कनेर के फूलों का संग्रह करती हुई वह धीरे धीरे उसी स्थान की ओर गई जहां वे दोनों महादैत्य बैठे थे। उन दोनों ने मादक रस पी लिया था जिससे उनके नेत्र नशे के कारण लाल हो गए थे, और जब उन दोनों की नजर तिलोत्तमा पर पड़ी तो वे दोनों दैत्य काम वेदना से व्यथित हो उठे और अपना आसन छोड़कर खड़े हो उसी स्थान पर गए जहां तिलोत्तमा खड़ी थी। दोनों ही काम से उन्मत्त हो रहे थे, इसलिए दोनों ही उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए उनसे प्रेम की याचना करने लगे। सुंद ने सुंदर तिलोत्तमा का दाहिना हाथ पकड़ा और उपसुंद ने उसका बायां हाथ पकड़ लिया। उधर तिलोत्तमा कटाक्ष द्वारा उन दोनों दैत्यराजों को बार बार अपनी ओर आकृष्ट कर रही थी। उस कामिनी ने अपने दाहिने कटाक्ष से सुंद को आकृष्ट कर लिया और बाएं कटाक्ष से उपसुंद को वश में करने की चेष्टा करने लगी। उसकी दिव्य सुगंध से वे दोनों दैत्य तत्काल मोहित हो गए। उनमें मद और काम का आवेश हो गया। फिर सुंद ने कहा, अरे यह मेरी पत्नी है, तुम्हारे लिए यह देवी माता के समान है। यह सुनकर उपसुंद बोल उठा, नहीं नहीं, यह मेरी भार्या है, तुम्हारे लिए तो ये पुत्रवधु समान है, ये तुम्हारी नहीं है, मेरी है। यही कहते कहते उन दोनों का क्रोध बढ़ गया। तिलोत्तमा के रूप से मतवाले होकर वे दोनों स्नेह और सौहार्द से शून्य हो गए। उस सुंदरी को पाने के लिए दोनों भाइयों ने हाथ में गदाएं ले ली। दोनों ही उसके प्रति काम से मोहित हो रहे थे। पहले मैं इसे प्राप्त करूंगा तो पहले मैं, ऐसा कहते हुए दोनों एक दूसरे को मारने लगे। इस प्रकार गदाओं की चोट खाकर वे दोनों भयानक दैत्य धरती पर गिर पड़े। उनके सारे अंग खून से लथपथ हो रहे थे। ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश से दो सूर्य पृथ्वी पर गिर गए हों। उनके मारे जाने पर वे सब स्त्रियां वहां से भाग गईं और दैत्यों का वह सारा समुदाय विषाद और भय से कंपित होकर पाताल में चला गया। इस प्रकार एक दूसरे से प्रेम करने वाले दोनों भाइयों ने एक दूसरे को मार डाला। अतः भारतवंश शिरोमणियों,
मैं तुम सब लोगों से स्नेहवश कहता हूँ कि यदि अपना भला चाहते हो तो ऐसा कुछ नियम बना लो जिससे द्रौपदी के लिए तुम सब लोगों में फूट ना होने पावे और तुम भाइयों में सदा प्रेम बना रहे। फिर नारद जी के कहने पर पांडवों ने यह नियम बनाया कि हम में से प्रत्येक के घर में अग्निसुता द्रौपदी एक एक वर्ष निवास करेगी। द्रौपदी के साथ एकांत हुए हम में से एक भाई को यदि दूसरा देख ले तो वह 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य पूर्वक वन में निवास करेगा। धर्म का आचरण करने वाले पांडवों द्वारा यह नियम स्वीकार कर लिए जाने पर महामुनि नारद जी प्रसन्न हो अभीष्ट स्थान को चले गए। फिर पांचों पांडवों ने उम्र भर इस नियम का पालन किया और उनके बीच पहले की तरह ही प्रेम बना रहा। परंतु एक बार भूलवश अर्जुन युधिष्ठिर और द्रौपदी के कक्ष में चले गए थे, जिसका दंड उन्होंने 12 वर्ष वन में रहकर भुगता था। ये भी कथा बड़ी ही रोचक है, लेकिन ये फिर कभी। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो तो इसे अपने तक ना रखें, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। हमें दें इजाजत। वीडियो को अंत तक देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।